क्या आपके फोन में आया है व्हाट्सएप को पिंक कलर में बदलने का दावा करने वाला मैसेज? अगर हाँ तो हो जाइए सावधान, इस व्हाट्सएप पिंक के चक्कर में आप खो सकते हैं अपने फोन का एक्सेस और बैंक अकाउंट से पैसे। दरअसल ये व्हाट्सएप स्कैम है जिसमें यूजर्स को उनके फोन पर एक लिंक मिल रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप का नया अपडेट है जिसमें व्हाट्सएप का कलर ग्रीन से पिंक हो जाएगा और व्हाट्सएप पिंक में नए फीचर्स भी मिलेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने यूजर्स को ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने से मना किया है। उनके अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में APK डाउनलोड लिंक के साथ वायरस को फैलाया जा रहा है। व्हाट्सएप पिंक नाम से किसी भी लिंक पर क्लिक करने से आपके फोन का पूरा एक्सेस हैकर्स के हाथ में चला जाएगा और आप फोन का यूज नहीं कर पाएंगे। इससे आपके फोन से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे फोटोज, मैसेजेस और कॉन्टेक्ट्स को चुराया जा सकता है और उसका गलत यूज किया जा सकता है, साथ ही बैंकिंग फ्रॉड भी किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने यूजर्स को सलाह दी है कि वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अलावा किसी और थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप को डाउनलोड ना करें। व्हाट्सएप ने कहा है कि यूजर्स ऐसे लिंक या मैसेज की कंप्लेन व्हाट्सएप ऐप के रिपोर्ट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं या फिर इस तरह के कंटेंट या कॉन्टेक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने व्हाट्सएप यूजर्स को व्हाट्सएप में पाई गई एक कमी के बारे में वार्न किया है। CERT की माने तो एक MP4 फाइल से भेजे जाने वाले इस थ्रेट को हाई बताया गया है जिसमें आपके पर्सनल अकाउंट का मिसयूज किया जा सकता है, वो भी आपकी परमिशन लिए बिना। ये वार्निंग हाल ही के कुछ घटनाओं के बीच आई है जहां इजरायली स्पाइवेयर पेगासस ने 100 से भी ज्यादा भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स को निशाना बनाया था। ये वल्नरेबिलिटी उन यूजर्स को अटैक करेगी जो भी एंड्रॉइड डिवाइसेस वर्जन 2.21.4.18 से पहले का व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस चला रहे हैं या जो भी iOS डिवाइसेस वर्जन 2.21.32 से पहले का व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस चला रहे हैं। इसमें अटैकर्स एक किसी भी रैंडम कोड की मदद से यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से व्हाट्सएप ऐप को अपडेट कर लें।